ध्रुव जो है वो कलकत्ता से आया है वापस, और हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत टाइम के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके वो आया है, और गिफ्ट्स किसे पसंद नहीं है, और उर्वशी को तो गहनों से बहुत प्यार है, तो जो वो उसके लिए लेकर आया है उसके लिए वो मग्न मुग्ध हो गई है एंड बहुत बहुत प्यार करती है वो गहनों से, पैसों से, यू नो। तो ऐसा गिफ्ट किसको नहीं, किसी को भी मिलेगा तो अच्छा ही लगेगा। जिस कैरेक्टर में मेरे जो फैंस हैं, जो मेरे प्रशंसक हैं, वो मुझे अच्छा, मुझे बहुत सराहना देते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बस वही कैरेक्टर में है। और शशि सुमित प्रोडक्शंस के साथ ये मेरा दूसरा शो है। आई फील लाइक कमिंग बैक टू माय ओन होम, बिकॉज बहुत बहुत प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छी तरीके से किरदार को यू नो पर्दे पर उतारते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द प्रोडक्शन हाउस एंड द शो इज़ कि उस एरा की कहानी है जहाँ पर शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तो उस एरा को जीना और उस तरह का मेकअप, उस तरह का स्टाइल जैसे कि आप देख रहे हैं, दे हैव लिटरली वर्कड ऑन माई कैरेक्टर अ लॉट, एंड कैरेक्टर है लॉट ऑफ शेड्स, बहुत पसंद आएगा आपको। और होता है ना, एक अच्छी सी फैमिली में एक काला तिल, एक काला टीका, एक नज़र बट्टू तो होता ही है, तो आई थिंक दैट नज़र बट्टू इज़ गोइंग टू बी उर्वशी, बट उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज शी इज़ नॉट फुल एंड फुल नेगेटिव, बट शी हैज़ लेयर्स इन इट एंड शी हैज़ अ एजेंडा टू इट। जी, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो इस शो का पार्ट थे, तो मैंने उनके लिए शो देखा था, बट मुझे नहीं पता था कि एक पॉइंट पे मैं भी इस शो का हिस्सा बनूंगी। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दैट मैं शो फॉलो तो नहीं करती, बट व्हेन आई सॉ द प्रोमो, व्हेन आई सॉ द कास्ट ऑफ दिस शो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और उस एरा को निभाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत पीछे की जितनी भी मशक्क़त होती है, जितना भी हार्डवर्क होता है, वो ऑन स्क्रीन पे दिखता है। तो आई रियली लाइक स्मॉल स्मॉल डिटेल ऑफ दैट एरा दैट दे हैव रियली पुटिंग इन द शो।